ऐसा लग रहा है कि रास्ता मिल गया है। एक से एक बढ़िया व्यू आ रहा है, इतना सारे फ्लावर्स है कि क्या ही बोले। वो बीच में जो गांव दिख रहा है वो बहुत ही मस्त लग रहा है। हमारा रात को ही प्लान बना और मैंने राज को कॉल किया कि कैसे भी घर का खाना बना कर लाना, तो राज खाना बना कर लाया है। फिलहाल हम एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से पदम डुंगरी 5 किलोमीटर है और आज का हमारा डेस्टिनेशन है रहीना घर, जो कि पदम डुंगरी से 5 किलोमीटर दूर है। घर थोड़ी हिडन है, पहली बार जा रहे हैं तो मजा भी बहुत आएगा। तो चलते हैं रहीना घर, ट्रैकिंग एडवेंचर सब कुछ होगा आज। यह है पदम डुंगरी इको टूरिज्म साइट। आज मंगलवार है तो आज बंद है। तो हमें पदम डुंगरी इको टूरिज्म साइट पर यहाँ पर अच्छा सा ब्रिज दिखा। सो तो चलते हैं, यहाँ से चुनावाड़ी एक्सप्रेस 5 किलोमीटर है। रहीना गढ़ देखाई थे तो इनसे जाऊ पड़े हां रास्ते से जाम रास्ते जाए तो खुशी ले दे। हां सो वहां से आए और यहां पर बाइक पार्क कर दी है। सो वो दिख रहा है, वहां पर ऊपर जाना है हमें, से नीचे होकर जाना है। सो हमने बहुत लोगों से पूछा फिर जाकर यहां तक पहुंचे हैं हम। वहां पर ऊपर ऊपर जाना है। सो आज धूप भी बहुत ज्यादा है, सो पसीना बहुत आ रहा है। वहां पर जो दिख रहा है ऊपर, उस टॉप पर जाना हमें। रास्ता ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, थोड़ा हिडन है ना। पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, पता नहीं चल पा रहा कि कहां से जाए। गूगल मैप में देखा था पर बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर ऊपर जाने। फाइनली ऐसा लग रहा है कि रास्ता मिल गया है। सीधे ही चढ़ते जाना है इसलिए मुश्किल हो रही थोड़ी। यहाँ पर फ्लावर्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यार, और आज का वेदर भी प्यारा है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, क्या लग रहा है यार। यहाँ पर फोटोस वगैरह क्लिक करवा लिए हैं, खिंचवा लिए हैं, तो और ऊपर चलते हैं। वो जो तालाब दिख रही है वहां पर हमने बाइक पार्क की है। राज यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहा है। बढ़िया व्यू आ रहा है, इतना सारे फ्लावर्स है कि क्या ही बोले। जहाँ पर भी अच्छा दिख रहा है वहाँ पर शूट कर रहे हैं हम। सो शूट करते करते हुए ऊपर तक चलते हैं। बस थोड़ा ही रह गया है, वहाँ पर ऊपर जाना है, यहाँ से होकर वहाँ से होकर जाना है। सो चलते हैं।
क्या जगह मिली, व्यू चेक करो आप, बस बस व्यू चेक करो आप, क्या जगह है यार। जहाँ पर अच्छा कुछ दिखे तो वहाँ पर शूट कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त जा रहा है। जगह हिडन है ना, इसलिए डरावनी भी है और अच्छी भी है। देखो कैसे कैसे जाना पड़ता है। ऑल ओवर बात करें तो ये जगह जितनी मैंने रिसर्च की थी उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों ना राज? बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ देखो वहाँ पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स, क्या लग रहा है सब कुछ। बस अब थोड़ा और ही पहुँच ही गए अभी। सो फाइनली 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 सो हम ऊपर पहुँच चुके हैं टॉप पर। पहले खाना वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, आपको पहले बताया वैसे राज भाई घर से खाना बना कर लाए हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। खाने में ये सब कुछ है, रोटी और आलू मटर की सब्जी है। सो खाना वगैरह खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो बढ़िया हमारा खाना हो चुका है, अब थोड़ा आराम रिलैक्स करते हैं, फिर थोड़ा सिनेमैटिक दिखाते हैं, सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। बढ़िया बढ़िया, अब थोड़ा आराम करते हैं। तो चलो थोड़ा आराम कर लिया और दिखाते हैं व्यू यहाँ से कैसा दिख रहा है, ये चेक करो। और थोड़ा उस साइड चलते हैं, इस साइड का व्यू चेक करो, बहुत ही मस्त लग रहा है। और आज भाई अपना फोटो वगैरह सब कुछ ओके कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। मस्त है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। सो हमने पूरा सिनेमैटिक वगैरह सब कुछ शूट कर लिया है, सो पूरा एक्सप्लोर कर लिया है इस जगह को, बहुत ही प्यारी जगह है। मुझे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग चढ़ना है ऊपर वो बहुत ही प्यारा है, और जो फ्लावर्स बीच में जो आते हैं क्या लगता है, बहुत ही मस्त है। सो वीडियो का यहीं पर एंड करना पड़ेगा, अब इससे आगे हम रायगढ़ स्मॉल वाटरफॉल जाने वाले हैं, वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो का यही प्रारंभ करते हैं, तो मिलते हैं किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में। तो बी सेफ बी हैप्पी, मैं पॉल रिमर, कैसे हो कैम छो फरी मड़ी सु, ऐसे ही कुछ मज़ेदार ट्रैकिंग वर्ल्ड वीडियो के साथ। तो मिलता है एक अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। सोराज तो हम रायगढ़ स्मॉल वाटरफॉल चलते हैं, चले है, चलते हैं। तो जैसे आए थे वैसे वापसी उतर रहे हैं। ये गाय देखो, एक वो रही और ये चार कैसे रिलैक्स कर रही है। सो नीचे से चलते हैं। Thank you.
डिस्टर्ब था।